नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। शहर में लंका चुंगी के पास स्थित आधुनिक सुविधाओं से लैस द ग्रैंड पैलेस का उद्घाटन नवरात्र में होगा। इसके बाद लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। प्रोप्राइटर विनोद राय ने बताया कि द ग्रैंड पैलेस में लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें लोगों को इंटरनेशनल होटलों जैसी व्यवस्था मिलेगी। ये पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। इसके साथ ही लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीढ़ी के अलावा लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। इसमें रेस्टोरेंट, ठहरने के लिए शानदार कमरों के साथ ही अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। बैंक्वेट हॉल के साथ ही बार की सुविधा भी मिलेगी। लोग यहां पर शादी विवाह के साथ ही अन्य मांगलिक कार्यक्रम अच्छी व्यवस्था के साथ संपन्न करा सकते हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मोहम्मदाबाद में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी सदस्य आनंद राय के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। शहीद पार्क के द्वार पर शोक सभा कर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की गई। इस मौके पर अनुज राय, दिग्विजय तिवारी, हबीब अहमद आदि मौजूद रहे। महादलित परिसंघ अभा, स्वच्छकार मंच व अन्य सहयोगी संगठनों के तत्वावधान में कैंडल मार्च में डॉक्टर राजकुमार रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंदा यादव, जेपी भारती, रंजय सागर, गिरिजा राम, शहादुर भारती, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद तबिश, राजा रावत, मुन्ना राम, अनिल कुमार, सत्येंद्र कुमार, समता बिंद, राजेंद्र यादव, ममता भारती, पूनम भारती, मुन्नी देवी, सूरज, आशीष, राजू, प्रदेश अध्यक्ष चंदन रावत आदि लोग शामिल रहे। मर्दा थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात बाइक सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। उप निरीक्षक योगेंद्र पाल ने बताया कि रात में करीब 11:30 बजे कचहरी मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर जागोपुर तिराहा बाईपास से अलग अलग बाइकों पर सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उप निरीक्षक ने बताया कि बरेसर थाना के पिंडारी निवासी मृत्युंजय यादव के पास से 1 किलो 600 ग्राम और राजीव यादव के पास से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि लंबे समय से गांजे का तस्करी का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने विद्युत अधिकारियों के साथ राइफल क्लब में बैठक की। इसमें निजीकरण की मांग को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा लगातार चलाए जा रहे आंदोलन के संबंध में बातचीत हुई। जिलाधिकारी ने विद्युत अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि आप लोग आम नागरिकों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। आंदोलन में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े। बैठक में SP ग्रामीण अनिल झा, SDM, CEO सिटी ओजस्वी चावला सहित बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद थे। करंडा थाना पुलिस ने शनिवार की सुबह क्षेत्र के सलारपुर जाने वाले मार्ग पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5 मवेशियों के साथ ही तमंचा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति गायों और बैलों को वध के लिए करंडा ताल से पैदल सोलहनपुर की तरफ ले जा रहे थे। इस सूचना पर मैनपुर से सलारपुर जाने वाली सड़क पर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्त में आए तस्कर क्षेत्र के लखनचंदपुर निवासी मुरली पासवान, यही के उमेश उर्फ गब्बर राम और आनापुर सरया निवासी जितेंद्र उर्फ करिया चौहान। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामपुर माझा चौकी प्रभारी रामाश्रय राय, उप निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, चौकी प्रभारी खिजरपुर, उप निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक शिव पूजन बिंद, हेड कांस्टेबल गुलाब प्रसाद सिंह और हेड कांस्टेबल कृष्णचंद चौरसिया शामिल थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।